मध्य प्रदेश की मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत अब चर्चा में हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की परंपराओं की अनदेखी करते हुए कांग्रेस विधायक को बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही रामनिवास रावत को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने निशाना साधते हुए कहा कि रामनिवास रावत को पहले राजमंत्री उसके तुरंत बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाना कोई त्रुटि थी या डील में कहीं गड़बड़। इतिहास में पहली बार किसी ने दो बार कुछ ही समय में शपथ ली है। मुकेश नायक ने यह भी कहा कि भाजपा के मंत्रिमंडल में किसी कांग्रेस के विधायक ने शपथ ली है। कितने अचरज की बात है कि उन्होंने अभी मंत्री बनने तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। ये मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक डेढ़ घंटे के अंतराल पर किसी मंत्री ने दो बार शपथ ली हो और बीजेपी के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के विधायक ने शपथ ली हो। कितने आश्चर्य की बात है कि अभी तक उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस के विधायक है और बीजेपी की सरकार में डेढ़ घंटे में दो बार शपथ ले ली, एक बार राज्य मंत्री की और एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।